तुम क्या मिले जाने जा, क्यों मिली थी नजर से नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल फिल्मी दलान में। आज के हमारे खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बोल्ड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की जिसने अपनी पहली फिल्म से ही तहलका मचा दिया था। वहीं उनके अपने पिता संग एक फोटोशूट ने लोगों को हिला कर रख दिया था। आज हम जिस गॉर्जियस और सिजलिंग एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उन्होंने न केवल अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता बल्कि कम फिल्में करने के बावजूद हमेशा लाइमलाइट में बनी रही और जिनका विवादों से भी गहरा नाता रहा। उम्मीद है अभी तक आप इस खूबसूरत और बिंदास अभिनेत्री को पहचान गए होंगे। अगर नहीं तो हम बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री पूजा भट्ट की। जी हाँ, पूजा भट्ट भले बहुत कम फिल्मों में नजर आई हो लेकिन अपने निजी जीवन और विवादों की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रही। आगे बताएंगे पूजा भट्ट से जुड़े तमाम दिलचस्प किस्से कहानी विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। अपने जमाने की बेहद बोल्ड अभिनेत्री में शुमार पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी साल 1972 में मुंबई में एक फिल्मी परिवार में हुआ था। इनके पिता मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट है और मां किरण भट्ट। हालांकि दोनों का काफी पहले तलाक हो गया था जिसकी वजह से पूजा अपने पिता से बहुत नफरत करने लगी थी, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदली और पूजा की नफरत भी खत्म होती चली गई। बेहद फिल्मी परिवार में पैदा होने की वजह से पूजा का रुझान फिल्मों में शुरू से ही था और इस वजह से उन्होंने बहुत कम आयज में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। पूजा भट्ट ने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1989 में अपने पिता महेश भट्ट के निर्देशन में बनी टीवी फिल्म डैडी से खाली 17 साल की उम्र में किया था। अपनी पहली ही फिल्म में ही पूजा काफी बोल्ड अवतार में दिखी और अपनी पहली फिल्म के लिए ही पूजा को फिल्म फेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके बाद पूजा सिनेमा जगत में लगातार एक्टिव होती चली गई। पूजा भट्ट को अपनी असली पहचान मिली साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म दिल है की मानता नहीं से। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली इस फिल्म में पूजा के काम को काफी सराहा गया और इस एक फिल्म से वो जवां दिलों की धड़कन बन गई। फिल्म के बाद पूजा को लोग घर घर जानने पहचानने लगे। वहीं इस फिल्म के गाने हर गली नुक्कड़ चौराहों पर सुनने को मिलती थी। इस फिल्म के लिए पूजा को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला था। इसके बाद पूजा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और लगातार शानदार फिल्मों में काम करती रही। अगर पूजा भट्ट की प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो इसमें सड़क, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आए, अंगरक्षक, चाहत, तड़ीपार, सर, बॉर्डर, नाराज, तमन्ना शामिल हैं। साल 2001 में रिलीज उनकी आखिरी फिल्म बतौर अभिनेत्री एवरीबडी सेज आई एम फाइन थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने एक्टिंग से गैप ले लिया और वह फिल्मों के निर्देशन और निर्माण पर ध्यान देने लगी। हालांकि पूजा ने साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म तमन्ना से ही प्रोडक्शन में एंट्री कर ली थी। पूजा ने बतौर निर्देशक शुरुआत साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म पाप से किया था। हालांकि कम बिजनेस करने के बावजूद इस फिल्म को आलोचकों ने खूब सराहा था। इसके बाद पूजा ने और भी फिल्मों का निर्देशन किया। पूजा के निर्देशन वाली प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें हॉलिडे, धोखा, कजरारे, जिस्म पार्ट 2 शामिल है। निर्देशन के साथ साथ पूजा भट्ट ने दोबारा एक्टिंग में वापसी साल 2009 में सनम तेरी कसम से की, लेकिन इस फिल्म के बाद दोबारा उन्होंने रुपहले पर्दे से दूरी बनाई और एक बार फिर लंबे अंतराल के बाद साल 2020 में सड़क पार्ट 2 से एक्टिंग में वापसी की। इस फिल्म से ही पूजा के पिता महेश भट्ट ने भी काफी अरसे बाद निर्देशन में कमबैक किया था। पूजा ने सिनेमा के अलावा वेब सीरीज में भी काम किया है।
वो फेमस सीरीज बॉम्बे बिगम्स में काम कर चुकी है, जहां हर जगह उनके काम की तारीफ हुई। हालांकि पूजा एक्टिंग में कम ही एक्टिव है और वो एक्टिंग के अलावा निर्देशन और प्रोडक्शन में ज्यादा एक्टिव रहती हैं। ये तो रही पूजा भट्ट के करियर के बारे में, आगे बताएंगे पूजा भट्ट से जुड़े तमाम विवादों के बारे में विस्तार से। आप बने रहिए साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। वैसे तो पूजा भट्ट का नाम ढेर सारे एक्टर के साथ जोड़ा गया। पूजा भट्ट का नाम कई मशहूर एक्टर के साथ जोड़ा गया, जिसमें आमिर खान, सोहेल खान, फरदीन खान, बॉबी देओल, सुनील दर्शन, दीपक मल्होत्रा और आदित्य पंचोली के नाम शामिल है। वहीं साल 1995 में एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूजा ने सोहेल खान के साथ अपने रिश्ते को स्वीकारा था। बाद के दिनों में ये भी सुर्खियां बनी कि पूजा ने एक्टर रणवीर शौरी से सगाई कर ली है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में है। हालांकि कहा जाता है कि दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं चल सका और कुछ दिनों के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इसके बाद पूजा ने साल 2003 में वीडियो जॉकी मनीष मखीजा से शादी कर ली थी। दरअसल दोनों फिल्म पाप के सेट पर पहली बार मिले थे, जिसमें मनीष मखीजा भी एक छोटा किरदार निभा रहे थे और यहीं से इनका रिश्ता परवान चढ़ा और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि पूजा को यहां भी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ और साल 2014 में दोनों का तलाक दो गया और वो एक बार फिर सिंगल ही रह गई। ये तो रही पूजा भट्ट के निजी जीवन की बात। पूजा का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। पूजा भट्ट का नाम उस समय बहुत सुर्खियों में आया जब उन्होंने अपने विवादास्पद फोटोशूट से पूरे देश में तहलका मचा दिया था। दरअसल एक मैगजीन के कवर पेज पर पूजा अपने पिता महेश भट्ट के साथ लिप लॉक किस करते हुए दिखाई दी थी, जिस वजह से वो लोगों के खासे निशाने पर आ गए। इस एक फोटो की वजह से सबने उनको आड़े हाथों लिया और काफी आपत्ति जताई। यहाँ तक कि इस तस्वीर के कारण महेश भट्ट को जान से मारने तक की धमकी भी मिली थी। इस एक तस्वीर ने पूरे सिनेमा जगत में भूचाल ला कर रख दिया था। सबने पिता पुत्री के रिश्ते तक भी सवाल खड़ा कर दिया था। यही नहीं, पूजा का विवादित तस्वीर वाला विवाद अभी थमा भी नहीं था कि जल्दी वो अपने पिता के कारण एक और विवाद में आ गए। दरअसल महेश भट्ट ने पूजा को लेकर विवादित बयान दे दिया कि अगर वे उनकी बेटी ना होती तो वे उनसे शादी कर लेते। महेश भट्ट का इतना कहना ही आग में घी डालने का काम कर बैठा। हर जगह उनके इस बयान की भी जमकर आलोचना होने लगी। वहीं ढेर सारे संगठनों ने उन्हें बॉयकाट करना शुरू कर दिया और वो सबके निशाने पर आ गए। पूजा भट्ट की जिंदगी में विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। कहा जाता है कि काफी कम उम्र से ही पूजा को शराब की लत लग गई थी। यहां तक कि इस वजह से उनकी सेहत बिगड़ती चली गई और वो मौत के काफी करीब पहुंच गई थी। लेकिन 45 साल की उम्र होने में उन्हें एहसास होने लगा कि इसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगी, और उन्होंने फिर इस लत को छोड़ दिया। कहा तो ये भी जाता है कि पूजा का फिल्मों से दूर होने की वजह भी यही थी और इस आदत की वजह से वो अपनी फिल्मी करियर पर बहुत सही से ध्यान नहीं दे पाई। आइए अब जानते हैं पूजा भट्ट के बारे में एक दिलचस्प कहानी जो शायद आप यकीनन नहीं जानते होंगे। अगर आपने पूजा की फिल्में देखी होगी तो गौर करेंगे कि अधिकतर फिल्मों में उनके कैरेक्टर का नाम पूजा ही रखा जाता था, क्योंकि इन फिल्मों में वो अपना वास्तविक नाम रखना ही पसंद करती थी। अपने विवादास्पद फोटोशूट, बिंदास जीवन शैली और कर्ली हेयर स्टाइल के लिए पहचाने जाने वाली पूजा भट्ट न केवल फिल्मी पर्दे पर बल्कि निजी जीवन में भी काफी बोल्ड और बिंदास रही हैं। पूजा बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ साथ एक कुशल निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और मॉडल रही हैं। अपने अभिनय के लिए उन्हें 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। वहीं पूजा के बोल्डनेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक मैगजीन के लिए उन्होंने अपने शरीर पर खाली पेंट के साथ फोटोशूट करवाई थी। पूजा का फिल्मी करियर वो मुकाम नहीं हासिल कर पाया जिसकी उनकी उम्मीद थी।
एक बड़े फिल्मी परिवार से होने के बावजूद उनका करियर कुछ खास नहीं चल पाया। इन सब के बावजूद वो हमेशा सुर्खियों में रही, चाहे उनके लव अफेयर हो या फिर उनका विवादास्पद फोटोशूट, वो अक्सर मीडिया की सुर्खियां बटोरती रही। हम उम्मीद करते हैं कि पूजा भट्ट अपने करियर में लगातार एक्टिव रहे और सफल रहे और जहां भी हो स्वस्थ रहे। वहीं आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, जल्द ही हाजिर होंगे नए पेशकश के साथ। नमस्कार।